मुरादाबाद में आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कराई गई हैं। ये परीक्षाएं मुरादाबाद के 6 केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही हैं। परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के लिए परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए काम किया जा रहा है। ये परीक्षाएं दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक जारी रहेंगी। जनपद मुरादाबाद में अब धीरे धीरे परीक्षाओं का दौर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद विद्यालयों में भी परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं, तो कहीं परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। इस बार की परीक्षाओं में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें, सावधान रहें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मुरादाबाद जनपद के सभी स्कूलों में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई, जिसके बाद जनपद मुरादाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए परीक्षाएं आज पहले दिन संपन्न कराई गई। ये परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक जारी रहेंगी। मुरादाबाद शहर के मंडी बांस स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में परीक्षाओं के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी और सभी बच्चों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील भी की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को सैनिटाइजर की बोतल साथ लेकर आने के साथ चेहरे पर मास्क लगाने के दिशा निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद सभी केंद्रों पर बच्चे इसका पालन करते हुए दिखाई दिए। इस बार परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए थे। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रश्मि ठाकुर ने बताया कि परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं और ये परीक्षाएं दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक जारी रहेंगी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये परीक्षा मुरादाबाद के 6 विद्यालयों में आयोजित की जा रही है, जहाँ पर बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। आज से क्लास 12th आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, जो कि हमारे मुरादाबाद में 6 सेंटर्स हैं, जिनमें आईसीएसई बोर्ड 12th की 22 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और सभी ये सेमिस्टर 1 एग्ज़ाम जो इस बार काउंसिल ने डिसाइड किए हैं, तो सेमिस्टर 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, बाकी एग्ज़ाम फेब एंड मार्च में स्टार्ट होंगे। अभी सेमिस्टर 1 की बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, 20 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और 12th क्लास 22nd से भी 20 दिसंबर तक और 10th क्लास 29 नवंबर से स्टार्ट होगी 15th दिसंबर तक। परीक्षाओं को कोविड-19 गाइडलाइन के साथ और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए क्या कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। बच्चे जो हैं मास्क पहन कर आएंगे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और बच्चों को सैनिटाइजर्स के लिए भी पूरा मतलब फैसिलिटीज़ दी गई हैं। टनल पर भी लगा हुआ है बाहर चैनल पे। उसके अलावा भी बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो कंपलसरी है और बच्चों को वैसे भी एक दूसरे से कोई भी स्टेशनरी लेना अलाउ नहीं है, सब अपना स्टेशनरी लेकर आएंगे। हाँ, बस संडे ऑफ रहेगा, उसके अलावा सब कंटिन्यू है। क्या कहना चाहते हैं सारे विद्यार्थी? सभी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें। अपना जो ये नहीं है कि भाई टर्म 1 है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें और टर्म 2 की तैयारी करें। टर्म 1 भी और टर्म 2 दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम हैं, तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपेयर करें।